नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हमें जंतर मंतर पर पूरे देश से आए हुए लोग नई जो शिक्षा पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं, ये जो NEP है 2020 का उसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे क्या मांगे इनकी, क्या इनके सरोकार हैं, क्या इनकी दिक्कतें हैं नई शिक्षा जो पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है। तो ये जंतर मंतर पर आज इकट्ठा हुए हैं। सर आप अपना नाम बताइए। और मैं डॉक्टर JN शुक्ला, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं धरने का AIFSTO के धरने का समर्थन करता हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारे सदस्य पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से यहाँ धरने में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और हम लोग इनकी मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। उसमें रिटायर्ड टीचर्स की मांग, पॉलिसीज में जो बन रही हैं पॉलिसीज या कुछ जो क्या क्या दिक्कत आ रही है जो पॉलिसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर पूरी तरह से लागू हो जाती है तो इसमें प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन को बल मिलेगा और हमारे गरीब छात्रों को असुविधाएँ होंगी पढ़ने में। और ये एक्चुअली डेमोक्रेटिक पॉलिसी नहीं है और ये प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स जो हम लोग टीचर्स वगैरह के टीचर्स और स्वास्थ्य तो स्टेट को ही ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये तो बड़ा क्रिटिकल है। अगर इसमें भी प्रॉफिट या प्राइवेटाइजेशन घुसेड़ देंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, जनता को बहुत दिक्कत होने वाली है, यही कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे प्रॉफिटिंग प्रॉफिट वाली भावना को ज़्यादा बल मिलेगा और गरीब जो कम पैसा है जिनके पास उनको पढ़ने में बहुत असुविधा होगी। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूलों ने कितना लोगों का शोषण किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसा भी सुना गया है कि कहीं कहीं बॉडीज़ रख लेते हैं वो और उसको रिलीज नहीं करते हैं और उसके बाद उल्टा सीधा बिल भी बनाते हैं। तो यही चीज़ अगर एजुकेशन के साथ हो जाएगी तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी भी प्राइवेट स्कूल से बहुत सारे उनके फीस के तरीक़ों से, उनके पैसा वसूली के तरीक़ों से परेशान है। तो इसमें क्या और क्या चीज़ का आपका विरोध है? अभी भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, जहाँ से प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, उन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है और हमारे गरीब छात्र जो हैं, जो साधारण जो मिडिल क्लास छात्र भी हैं, वो उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर इस तरह से और कॉलेज की संख्या ज़्यादा हो गई तो हमारे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके छात्रों को भी उन्हें पढ़ने में असुविधा होगी। सर आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे BJP की सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो भी शिक्षा पॉलिसी है, शिक्षा की व्यवस्था है, उस विषय में क्या कहेंगे? इस समय आज हम लोग जंतर मंतर पर AIFSTO के आह्वान पर पूरे देश के शिक्षक यहाँ आंदोलनरत हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि इस समय पूरे देश के अंदर चल रहा है, इस भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर एक पूरे देश में एक ड्राफ्ट तैयार किया। शिक्षा में बदलाव पहले भी होते रहे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे देश भर के जो संगठन हुआ करते थे उनसे विचार विमर्श के बाद ही कोई शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया करते थे। मतलब मनमानी कर रही है सरकार। और इस सरकार ने तो न देश के शिक्षकों से वार्ता की, न स्टूडेंट लीडरों से वार्ता की और जहाँ तक अभिभावक थे उनसे भी कम से कम वार्ता पहले होती रही है। किसी से बिना वार्ता के, बिना किसी विचार विमर्श के पूरे देश के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर देश की जनता पर थोपने का काम किया है। एक सूत्री कार्यक्रम है इस देश की सरकार का कि शिक्षा का निजीकरण कर दो। और क्या पॉइंट है निजीकरण? जैसे निजीकरण सर ने बताया, निजीकरण एक विषय है जिस पे आपको आपत्ति है, और क्या जैसे पॉइंट्स आपने कितनी 11-12 सूत्री है या 25 सूत्री मांग है? ये हमारा आज जो AIFSTO का धरना है 17 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा। 17 सूत्रीय मांग पत्र में एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि ऐसे क्या क्या मांग है, एक दो मांग अगर पढ़ के बताएं। ये अभी हमारे 2005 के बाद सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों से लेकर सभी कर्मचारियों को उनका जो पेंशन का हक है उसे समाप्त कर दिया। वो सभी के लिए किया गया पूरे देश में वो बहुत तो, बड़ा आंदोलन हुआ है इस दर जंतर मंतर पर। आज हम इस धरने के माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि जो पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए, उसको हम हर स्थिति में लेके रहेंगे। ये दूसरी मांग है आपकी, पहली मांग तो प्राइवेटाइजेशन।